आज हम मिर्गी या अपस्मार या दोनों की बीमारी, इसको एपिलेप्सी भी बोलते हैं, उसके बारे में कुछ बात करना चाहेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये बीमारी एक आम बीमारी है और प्राय विश्व की 1% या उससे ज्यादा जनसंख्या इससे पीड़ित है। इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। सबसे कॉमन नाम है इसको दोहरे सिर आने की बीमारी, बार बार फिट्स आने की बीमारी, सीजर डिसऑर्डर। इसका नाम ये इसलिए पड़ा क्योंकि पुराने समय में ये समझा जाता था कि ऐसे में जो व्यक्ति होता है उस पर कोई ऊपरी हवा या भूत प्रेत या सुपर नेचुरल पावर उस पर अपना असर करती है, उसको जकड़ लेती है, उसको सीज कर लेती है, इसलिए इसका नाम सीजर डिसऑर्डर पड़ा। और आज भी हमारे यहाँ भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो इसको कोई जादू टोने का असर या भूत प्रेत की बीमारी या कोई ऊपरी असर समझते हैं और इसका झाड़ फूक से इलाज कराते हैं, जूता सुखाते हैं, चप्पल सुखाते हैं, कील चुभाते हैं, इस तरह की जो है। वास्तव में ऐसी भ्रांतियों का कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। हमारा मस्तिष्क छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है जो अलग अलग समूहों में बैठ के शरीर के अलग अलग क्रियाकलापों को नियंत्रित करती हैं। उन सभी कोशिकाओं के अंदर एक जैव विद्युतीय तरंगें चलती रहती हैं। जब किसी भी कारण से अगर उन जैव विद्युतीय तरंगों के उत्पादन में या संचालन में किसी प्रकार का व्यवधान होता है और वो जैव विद्युतीय तरंगें अधिक मात्रा में उत्पन्न होने लगती हैं, तो शरीर का वो हिस्सा जो मस्तिष्क के उस हिस्से से नियंत्रित हो रहा होता है उसमें असामान्य गतिविधियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिसको हम सीजर या फिट बोलते हैं। तो अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो वस्तुतः मस्तिष्क में होने वाली कोई भी संरचनात्मक या क्रियात्मक विकार दौरे को जन्म दे सकती है। ये भी हो सकता है कि वो विकार एक टेम्पररी नेचर का हो, अस्थाई प्रकृति का हो, या फिर परमानेंट यानी स्थाई प्रकृति का हो। वास्तव में मस्तिष्क के अंदर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स जैव रसायन होते हैं जो जैव विद्युत तरंगों को कुछ बढ़ाने का काम करते हैं और कुछ उनको घटाने का काम करते हैं। स्वास्थ्य में जब स्वस्थ व्यक्ति होता है तो उसमें एक सामंजस्य बना होता है इस चीज को लेकर उन जैव रसायनों में, तो किसी भी कारण से वो सामंजस्य टूटता है तो तरंगे ज्यादा बनती है, उसकी वजह से दौरा आता है। अगर वो तरंगे मस्तिष्क के केवल एक हिस्से में ही ज्यादा बढ़ रही है तो शरीर का केवल एक हिस्से में विकृति आती है, अब असामान्य गतिविधियां आती है, उसको हम एक आंशिक दौरा या पार्शियल सीजर बोलते हैं। और ये अगर धीरे धीरे एक हिस्से से होकर अगर बाकी सारे हिस्से में फैल जाती है तो उसको हम पार्शियल सीजर विद सेकेंडरी जनरलाइजेशन बोलते हैं। और कई बार सारे मस्तिष्क के अंदर अगर जैव विद्युत तरंगे जरूरत से ज्यादा मात्राएं बनती है तो उसको हम जनरलाइज सीजर बोलते हैं। तो आमतौर पर जो कारण होते हैं वो जन्मजात हो सकते हैं। वो कारण मस्तिष्क के अंदर चोट लगना, कोई टॉक्सिन्स होना, तेज बुखार होना, किसी नशीले दवाओं का असर, बहुत सारे कारण वस्तुतः हो सकते हैं, कोई ब्रेन ट्यूमर हो जाना। तो इन कारणों का तो सही सही मरीज को देखकर, मरीज का इतिहास लेकर, मरीज की जांच करके तभी पता लगाया जा सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि मिर्गी अपने आप में शब्द भयावह लगता है लेकिन हर दौरा मिर्गी नहीं होता। आमतौर पर मिर्गी का अर्थ होता है जब व्यक्ति को बार बार सीजर आते हैं, एक महीने या उससे ज्यादा के अंतराल पे जब दो या उससे ज्यादा सीजर आते हैं तभी उस अवस्था को हम मिर्गी की अवस्था बोलते हैं। तो मिर्गी अपने आप में कोई एक बीमारी नहीं है बल्कि किसी भी कारण से अगर मस्तिष्क में दौरे आ रहे हैं तो उसको अवस्था को, बार बार दौरे आने वाली अवस्था को हम मिर्गी का नाम देते हैं। मिर्गी के जैसे हमने कारण बताए तो प्रकार में, जैसे हमने कारणों का जहां जिक्र किया तो प्रकार में यह है कि अगर शरीर का एक हिस्सा प्रभावित होता है कोई भी एक हिस्सा तो उसको हम आंशिक दौरा बोलते हैं, और अगर पूरे शरीर में एक साथ होता है तो उसको हम पूर्ण दौरा या जनरलाइज सीजर बोलते हैं। कुछ दौरे ऐसे होते हैं जो प्रारंभिक अवस्था में आंशिक दौरे से तरह से शुरू होते हैं और धीरे धीरे पूरे शरीर को अपनी चपेट पे लेते हैं, उसको हम सेकेंडरी जनरलाइज सीजर बोलते हैं। आमतौर पर जो मिर्गी का लक्षण होता है वो ये होता है कि व्यक्ति को जो पूर्ण दौरा होता है, क्लासिकल जनरलाइज्ड एपिलेप्सी या ग्रैंड मेल एपिलेप्सी जिसको बोलते थे, उसमें व्यक्ति को पहले कुछ असामान्य बेचैनी सी, घबराहट सी या कोई शरीर में असामान्य गतिविधियां लगने लगती हैं उसको, उसके बाद व्यक्ति का शरीर ऐंठने लगता है जो है, उसके बाद उसको झटके पड़ने लगते हैं, मुँह से असामान्य सी आवाजें आती हैं जो है, और मुँह से झाग आने लगता है, सारे शरीर में झटके पड़ने लगते हैं जो है, और उसके बाद व्यक्ति शिथिल हो जाता है
और कुछ देर तक मूर्छित अवस्था में रहता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि सभी लोग को इस तरह से हो। कई बार शरीर के एक हिस्से में सुन्नपन होना, चेहरा टेढ़ा होना, शरीर के किसी हिस्से में फड़कन हो जाना या शरीर के किसी हिस्से में जो है काम करना बंद कर देना या दिखाई देना बंद कर लेना या असामान्य मानसिक स्थिति का होना, ये लोग भी ये सब प्रक्रियाएं भी आंशिक दौरे का एक हिस्सा हो सकती है। लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसी सभी गतिविधियां मिर्गी ही हों। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मिर्गी से मिलते जुलते होते हैं और उनको जो है हमें समझना चाहिए और उनका उचित उपचार जरूरी है। जैसे किसी व्यक्ति को अगर फॉर एग्जाम्पल ब्लड शुगर लो हो जाता है तो उसको भी ऐसा हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति को साइकोजेनिक सीजर बोलते हैं जो है तो ऐसा होता है कि व्यक्ति को जो है उस समय मानसिक अवसाद है तो उस समय पर ऐसी अवस्था हो सकती है उसको जो है। कई बार व्यक्ति के अगर मस्तिष्क में सही मात्रा में रक्त संचार नहीं जा रहा है जिसको हम सिंकपी बोलते हैं तो व्यक्ति मूर्छित होकर गिर सकता है। तो ऐसे अनेक कारण है जो है जो दौरे की बीमारी से मिलते जुलते हैं, लेकिन एक कुशल चिकित्सक ही उनका पता लगा सकता है कि वास्तव में दौरे की बीमारी है या उससे मिलती जुलती कोई और बीमारी है। सबसे पहली बात यह है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति हमें दिखाई पड़ता है तो हम क्या करें। सबसे पहली बात यह है कि मरीज का कोई नुकसान ना होने दे, मरीज को साइड से लेटा दे, उसके कपड़े ढीले कर दे, ये सुनिश्चित करें कि उसको जो है उसके एयरवे क्लीन रहे, उसको कम से कम पर्याप्त मात्रा में हवा आती रहे जो है, और मरीज को लेफ्ट लेटरल या पोजिशन में यानी साइड में बाई करवट लेटा दे और उसकी कमर थप थपाए। और मरीज को ये ध्यान रहे कि उसको जब झटके लग रहे हैं, क्योंकि तो झटकों को रोकना उससे बहुत मुश्किल होता है, तो उसको चोट ना लग जाए तो कम से कम उसको सुरक्षित जगह पर रखें, वो गिर ना जाए कहीं ऐसी जगह ना हो, हाथ पैरों में चोट ना आए तो हाथ पैरों के आसपास कोई तकिया या कोई सॉफ्ट चीज रख लें जो है उस समय चोट न लगे, बाकी चोट न लगे, ये ध्यान रखें। और उसको जो है जो कुछ लोग करते हैं मुंह में चम्मच डालते हैं, मुंह में कील डालते हैं, जबड़ा जबरदस्ती खोलते हैं, मुंह में पानी डालते हैं, ऐसी गलतियां कभी भी ना करें। और जूता सुंघाना, चप्पल सुंघाना और ये सब तो खैर नहायत ही जो है अवैज्ञानिक चीजें हैं, इनके बारे में तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। और अगर दौरा 3 से 5 मिनट तक स्वतः ही नहीं रुकता है तो मरीज को शीघ्र जो है जो भी चिकित्सा केंद्र हो वहां पर ले जाए जो है और उसका इलाज जो है ताकि वहां पे उसको दिया जा सके। क्योंकि या मरीज को अगर एक बार दौरा रुका और उसके बाद पूरी तरह से चेतना अवस्था में नहीं आ पाया, दोबारा दौरा आने लगता है, तो भी व्यक्ति को ऐसे बार बार दौरे की अवस्था में चिकित्सकीय उपचार की जरूरत होती है। अन्यथा ज्यादातर दौरे 2 से 3 मिनट में स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। उस समय केवल हमारा यही है कि मरीज को चोट न लगे। जहां तक इसके प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है तो उसके लिए जरूरी है कि एक कुशल चिकित्सक के पास जाकर मरीज और सबसे जो इम्पोर्टेंट वो व्यक्ति होता है जिसने उसको दौरे की हालत में देखा होता है, जो दौरा हुआ वो कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, किस परिस्थितियों में हुआ, क्या उसके लिए जो उत्तरदायी कारण थे, उन सबका विस्तृत इतिहास, उनकी डिटेल्ड हिस्ट्री मरीज के रोग निदान में सबसे महत्वपूर्ण है। आमतौर पे आज सबके पास मोबाइल है, एक तरीका ये कर सकते हैं कि अगर हालांकि वो बड़ा भयावह दृश्य लगता है एकदम से, बट फिर भी हिम्मत करके जो भी नियर बाय अटेंडेंट है अगर वो कम से कम उसकी वीडियो क्लिपिंग बना सकता है दौड़ाते हुए की, तो वो बहुत लाभदायक होती है जो है। इसके अलावा फिर मरीज की जाँच होती है, जो उसके मरीज की जो चिकित्सक अपने अपने हिसाब से जाँच करते हैं, उसका जो है नर्वस सिस्टम की जाँच, उसके बाकी और सिस्टम्स की जाँच जो है, और उसके बाद कुछ विशेष जाँचें होती हैं जैसे ईजी होती है जो मस्तिष्क की तरंगों का ग्राफ होता है, जैसे हार्ट के लिए ईसीजी होता है उस तरह से मस्तिष्क की तरंगों का ग्राफ ईजी होता है, उसी का एक और प्रकार उन्नत प्रकार ब्रेन मैपिंग होता है, और मस्तिष्क की संरचना की जांच सीटी स्कैन या एमआरआई या कुछ स्पेशल एमआरआई जो एपिलेप्सी प्रोटोकॉल एमआरआई बोलते हैं जिसको जो है उस पर होती है। ध्यान रखना चाहिए कि एमआरआई का जो स्कैनर है वो कम से कम जो है 1.5 टेस्ला या उससे अधिक होना चाहिए जो है, और ईजी जो है उसकी भी रिपोर्टिंग किसी कुशल चिकित्सक के द्वारा होनी चाहिए। प्लस इसके अलावा और बहुत सारी रक्त की जांचें होती हैं जो है, या कोई और विशेष जांचें होती हैं, कई बार लिवर फंक्शन टेस्ट है, किडनी फंक्शन टेस्ट है, ब्लड काउंट्स हैं, ब्लड शुगर की जांच है, थायराइड की जांच है, इलेक्ट्रोलाइट्स की जांच है, तो अलग अलग ये चिकित्सक के निर्देश के अनुसार ही करानी चाहिए, अपने आप की जाँच कराने का कोई महत्व नहीं है। उसके बाद एक कुशल चिकित्सक इन तीनों चीजों को, हिस्ट्री को, एग्जामिनेशन को, इन्वेस्टिगेशन को नजर में रख के ये बता सकता है कि क्या कारण है, और उसका फिर उपचार जो है जब एक बार अगर शुरू किया जाता है तो व्यक्ति को अपनी मर्जी से उपचार बदलना नहीं चाहिए, उपचार बीच में छोड़ना नहीं चाहिए,
कुछ सावधानियां जो सभी को लेनी चाहिए वो ये है, जो भी इसका इलाज जिसको दवाई दी जाए, नंबर एक, कभी भी अपनी मर्जी से दवा छोड़नी या घटानी बढ़ानी नहीं चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी चाहिए, कम से कम 7 घंटे रोज नींद लेनी चाहिए, एक बार में या दो बार में। तीसरी चीज ये है कि कभी भी जो है अगर बुखार हो जाए या दस्त हो जाए या कोई भी चीज हो जाए तो भी जो है उसका उचित उपचार कराना चाहिए, और जिस चिकित्सक से उपचार कराए उसको ये बता देना चाहिए कि व्यक्ति ये रोगी ये दवाई खा रहा है जो है, और नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए जो है, और स्ट्रेस जहां तक हो सके अत्यधिक शारीरिक और मानसिक तनाव से बचना चाहिए, जितनी सहज जीवन शैली हो उसको अपनाना चाहिए। रोगी के जितने भी उसके परिवारजन हैं, उसके जो इष्ट मित्र हैं, उन सबका भी कर्तव्य है कि रोगी को सामान्य जीवन जीने में मदद करें। ये वास्तव में अगर इसका प्रॉपर उपचार किया जाए तो कोई ऐसी चीज नहीं है, केवल एक दो हम प्रिकॉशंस लॉन्ग टर्म बताते हैं कि भाई माउंटेनियरिंग आप ना करें, अकेले स्विमिंग ना करें जो है, और बहुत ज्यादा आग और पानी के पास ना जाए। व्यक्ति की अगर सीजर कुछ महीने तक कंट्रोल है तो वो ड्राइविंग भी कर सकता है, और अगर नटशेल में कहें तो ऐसा कोई काम नहीं है व्यक्ति जो है जो उसको न कर सकता हो जो है। पुराने समय से बहुत जो महान अनुभूतियां उन सबको एपिलेप्सी रही है, अलेक्जेंडर द ग्रेट को एपिलेप्सी थी जो है, और आज के देखें तो जॉन टी रोड्स फेमस क्रिएटर उनको एपिलेप्सी, बहुत से लोगों को एपिलेप्सी रही है, लेकिन वो नेपोलियन को एपिलेप्सी थी लेकिन वो उनके जीवन में कभी बाधा नहीं बनी। तो जरूरत इस बात की है कि हम दौरे के कारणों को समझें, हर दौरा मिर्गी नहीं होता है और मिर्गी लाइलाज बिल्कुल नहीं होती है, जितना बाकी चिकित्सकीय बीमारियों का इलाज है उतना ही इसका भी इलाज है, और ये कोई झाड़ फूक के देवी प्रकोप की बीमारी नहीं है, ये कोई मानसिक सोचने वाली बीमारी नहीं है जो है, ये वास्तव में मस्तिष्क का एक विकार है जिसका एक पूर्णतया वैज्ञानिक उपचार संभव है। हाँ, इसका उपचार लंबा चलता है, आमतौर पर आखिरी दौरे से 2 या 3 साल चलता है, और ज्यादातर रोगियों में दवाएं बंद भी की जा सकती हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार अगर इलाज शुरू हुआ तो पूरी जिंदगी चलना है इलाज में जो है। तो जरूरत इस बात की है कि कोई भी अगर आपके मन में शंका हो, कोई भी भ्रांति हो, तो उसका उचित उपचार उसका उचित जवाब जो है आपका चिकित्सक दे सकता है। तो बजाय कि हम लेमैन से पूछें या एक दूसरे की कहीं सुनी बातों पर यकीन करें, बेहतर ये होगा कि हम अपने चिकित्सक के निर्देशन का पालन करें और उचित दवाई उचित समय पर उचित मात्रा में अपने चिकित्सक के निर्देशानुसार लें, तो ये बीमारी के साथ पूरी तरह से सामान्य जीवन जिया जा सकता है। धन्यवाद।